ठीक है, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दोस्तों। मैं हूँ सुरेश। तो आज का वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर में कौन कौन सा टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं DMLT का सिलेबस में। इससे पहले का वीडियो में आप लोगों को बताए थे CBC एक टेस्ट होता है, उसके अंदर में कितना सारा टेस्ट आता है वो सब आप लोग को इससे पहले वाला वीडियो में बताया थे। तो आज का वीडियो में आप लोगों को बताएंगे हेमेटोलॉजी के अंदर में कितना सारा टेस्ट आता है। पहले हम लोग करते हैं CBC। CBC का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट। CBC के बारे में इससे पहले वाला वीडियो में बताया थे, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं ESR का फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। उसके बाद और एक टेस्ट आता है जिसको हम लोग BT टेस्ट के नाम से जानते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BT। इसका फुल फॉर्म ब्लीडिंग टाइम होता है, ब्लीडिंग टाइम। उसके बाद आता है CT, CT का मतलब होता है क्लोटिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम। के बाद आता है रेटिकुलोसाइट काउंट, रेटिकुलोसाइट के काउंट के बाद आता है सिकल सेल, ये एक अलग अलग टेस्ट आता है। उसके बाद हम लोग और एक टेस्ट करते हैं ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है OFT, जिसे आप लोग पढ़े होंगे KFT, RFT, LFT, वैसे ही एक आता है OFT। अगर नहीं पढ़े हैं तो वो हम बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट जब आप लोगों को दिखाएंगे उस टाइम बता देंगे। RFT, KLFT जो भी होता है उसके अंदर में सब सारा चीज़ बताएंगे। तो आप लोग ये वीडियो में समझ में आ गया होगा हेमेटोलॉजी का टेस्ट कितना सारा आता है। एक आता है CBC, ESR, BT, CT, रेटिकुलोसाइट काउंट, सिकल सेल, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। अगर CBC नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले वाला वीडियो जाके देखिए, एक प्लेलिस्ट बना होगा DMLT सिलेबस प्लेलिस्ट के नाम है, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं।